बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आप लोगों ने सुना है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पे यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। दोस्तों, हमारी लड़ाई जालिम के खिलाफ है और मजलूम के साथ है, यानी अत्याचारी के खिलाफ है। अखलाक को किसके जमाने में मारा गया, बटला हाउस इनकाउंटर किसके जमाने में हुआ। हमारी लड़ाई, लोग कहते हैं मुस्लिम आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी, मैं कहता हूं इस मुल्क में ना कोई हिंदू आतंकवादी है ना कोई मुसलमान आतंकवादी है, सरकारें आतंकवादी हैं। मैं सलाम करता हूं आपको और एक बात के साथ कि आपकी लड़ाई सिस्टम से है। सरकारें बदलेंगी, सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा ये जुल्म आपके साथ होता रहेगा। हमारे यहां भी लड़ाई शुरू हुई राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने, पुलिस वाले हमें कहते थे परमिशन नहीं देंगे। हमने नौकरों को जब ये ओथ लेते हैं तो पब्लिक सर्वेंट होकर के ओथ लेते हैं, आपने नौकरों को मालिक बना दिया है, तो जब नौकरों को मालिक बनाओगे तो उनका दिमाग खराब हो जाए। मैं इसलिए ये सब पे केस करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों पर केस करने लगे। हमने एक तरकीब निकाली इन बेईमानों के खिलाफ इस्तगासा करके इनके ऊपर केस करना शुरू किया, और हमने ये तय किया कि इतना केस करेंगे, इतना केस करेंगे, इतना केस करेंगे कि इन पुलिस वालों को जो जालिम है उनको मोहल्ले के लड़के चिढ़ाएंगे, देखो केस जा रहा है, देखो केस जा रहा है। तो मैं आपको सलाम करता हूँ, आप अपने को कम मत समझिए, ये चंद लोग इनकलाब ला सकते हैं। आपके लिए शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि सब सितम वाले कमजोर समझे थे जिसे, सब सितम वाले कमजोर समझे थे जिसे, उसने गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे, सारी आधियां बैठी रहीं, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी है, अगर आप ये थक गए तो आप ये तय कीजिए आज हम रुके, हम न झुकेंगे, न रुकेंगे और न थकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ दो बात कहने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और मैं राष्ट्रीय जनता दल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यह बात दोहराते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि देश में आज भय का माहौल है, लेकिन इस भय के खिलाफ में खड़ा होना ही हमारा उद्देश्य है, और उसी आधार पे इस भय के समाप्त कर सकते हैं। हम सब नजीब का जो कॉल है उसी के आधार पे, नजीब की माँ बैठी है, रोहित बमुला की माँ बैठी है, ये सब हमारी माँ है, समाज की माँ है, किसी व्यक्ति की नहीं है। और जो संस्था इनके खिलाफ, इन बेटों के खिलाफ जो जिन्होंने काम किया है, उन संस्था को रोकने का जो जिनके मन में भ्रम है उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं, और ये सीबीआई का आधार बनाकर कि सीबीआई केस बंद कर दिया है। इस देश की एक एक जनता जानती है कि सीबीआई बंद केस को खोलने में और खुलने वाले केस को बंद करने के लिए जानी जाती है। आज देश में ऐसा ही माहौल है, और यह किसी खास परिस्थिति में है, यह उन परिस्थिति में है जहां पर संविधान को पूर्ण रूपेण बर्बाद करने की कसम खाई गई है, संघ के विधान पर पूरे देश को चलाने की तरीका इजाद किए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान को संघिस्तान में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास को नस्नाबूत करना है, और इसमें हम सब खड़े हैं आपके साथ। ये केवल एक आदमी का, एक व्यक्ति का, एक माँ का सवाल नहीं है, यह पूरे देश का और पूरे समाज का सवाल है। इसलिए आरजेडी की तरफ से मैं पूरी
ताकत के साथ पुरजोर तरीके से यह दोहराना चाहता हूं कि जैसे हमारे नेता के खिलाफ बंद केसों को खोलकर परेशान किया गया और यहां जो खुलने लायक केस है, जो व्यक्ति अभी जिंदा है उसको खोजने का काम छोड़कर केस बंद करने का काम किया जा रहा है, इस तरह के चीज को, इस तरह के अध्यादेश, इस तरह के आवाज को हम रोकना चाहते हैं और इस रोकने में पूरी ताकत लगा देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका सलाम करता हूँ और सब माँ को या विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस देश में जो संस्कार है वो कहती है कि सबसे खतरनाक आह जो होती है वो माँ की आह होती है, और इन माँ की आह जो है वो पूरे सरकार को समाप्त करके ध्वस्त करके रखी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।